हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिका संदेश ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रक्षाबंधन का मेकअप लुक। इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने फेस को क्लीन कर लिया है और मैंने कॉन्टैक्ट लेंस लगाया है। तो जिसने भी कॉन्टैक्ट लेंस का वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हो। और मैंने यहाँ सारे प्रोडक्ट को एक जगह पर रख लिया, तो इससे क्या होता है कि मुझे आपको मेकअप करने में बताने में इजी हो जाता है। तो मैं सबको इकट्ठा कर ली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का टोनर, जो आपके फेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे टोनर अप्लाई कर रही हूँ। टोनर अप्लाई करने के बाद मैं सेम गुड वाइब्स का मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी। आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है। मैं यहाँ पर गुड वाइब्स का यूज़ कर रही हूँ। और हाँ, ये जो लुक है ना, मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट एंड बहुत ही जल्दी जल्दी किया है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे का कंसीलर। कंसीलर को अप्लाई करूँगी। आपके जो भी डार्क स्पॉट्स हैं या फिर ब्लैकनेट्स हैं, आप वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। और मुझे आई मेकअप एकदम न्यूड रखना था, तो मैं सबसे पहले पूरा बेस तैयार करूँगी, देन मैं फिर आई मेकअप करूँगी। तो कंसीलर अप्लाई कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ पर ये लैक्मे का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। जो लैक्मे का फाउंडेशन मैं डॉट डॉट करके हर जगह पर अप्लाई कर ले रही हूँ। आपको नेक कभी भी नहीं छोड़ना है, आपको नेक पे भी इस तरह से आपको लगाना है। देन उसके बाद मैं इसको करूँगी ब्लेंड। सबसे पहले मैं छोटे वाले ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूँ। ब्लेंड करने के लिए आपको हमेशा टाइम देना है, तो आप इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हो। छोटे वाले से आइज़, अंडर आइज़, देन बड़े जो ब्यूटी ब्लेंडर उससे मैं पूरे अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लेती हूँ। तो ब्लेंड इस तरीके से करना, और ब्लेंड बहुत ही अच्छे तरीके से करना, तभी आपका बेस अच्छा लगेगा। तो ब्लेंड हो चुका है मेरा, सी आप देख सकते हो। और कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद ना आपका लुक बहुत ही प्रीटी हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ NY का कॉम्पैक्ट। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा ऑयली है वहाँ वहाँ मैं इसको अप्लाई कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं कॉन्टोर करूँ। कॉन्टोर मुझे करना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट अभी मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया और आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो कॉन्टोर हल्का हल्का जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है मैं वहाँ वहाँ कॉन्टोर कर ले रही हूँ। नोज़ कंटोर एंड चिक कंटोर एंड फोरहेड कॉन्टोर। ये शुगर का पैलेट से ही मैंने हाईलाइटर, ब्लश और अपना कॉन्टोर में यूज़ ज़्यादातर करती हूँ। उसके बाद मैं करूँगी आई मेकअप। ये मेकअप रेवोल्यूशन का ये कॉम्पैक्ट आई शैडो पैलेट है, उससे मैं पिंक का शेड लेके अपने ब्रश से, ब्यूटी ब्रश जो है ना, फ्लफी ब्रश है, उससे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको टाइम लेके ब्लेंड करना है, क्योंकि ना आई का मेकअप होता है ना, थोड़ा टाइम लगता है बट बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। देखो, मैंने पिंक का शेड लिया, मैंने कुछ भी नहीं लिया, हल्का सा पिंक का शेड लेके पूरे अपने हाईलाइट पर इसको अप्लाई कर ले रही हूँ उस तरीके से, और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद मैंने ये वाइट कलर का शिमर शेड लिया, उसको मैं अपने हाईलाइट पे, पूरे हाईलाइट पे अप्लाई कर ले रही हूँ इस तरीके से। तो हल्का सा शिमरी शेड भी आ जा रहा है, तो बहुत ही बढ़िया सा लुक दे रहा है। कोई सा भी ड्रेस पे ये आई लुक आप कर सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टाइप के सिंपल से आई लुक, ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल आई लुक। उसके बाद सेम पिंक कलर को मैं लोअर लैश पे अप्लाई कर ले रही हूँ, इस तरीके से ब्लेंड कर ले रही हूँ दोनों पे। और कॉन्टैक्ट लेंस लगाया तो मुझे तो अपना आई लुक आप सिंपल भी रखोगे ना, तो भी बड़ी बढ़िया लगता है। मैंने ये कॉन्टैक्ट लेंस एक्वा का। उसके बाद मैंने ऑफ कैमरा यहाँ पे आईलेसेस लगा लिए। आईलेसेस मैग्नेट्स के, जो आप लाइनर के साथ आप आईलेसेस को एकदम चिपक जाती है, बहुत इजीली लग जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक ग्रीन कलर का काजल, जो मेरा बहुत ही फेवरेट। आप चाहते हो यहाँ पे ब्लैक यूज़ कर सकते हो, बट मुझे ग्रीन यूज़ करना था, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन यूज़ किया है। उसके बाद मैं क्या करूँ ना, ब्लेंडर जो अपना ब्रश है ना, उससे मैं हल्का हल्का स्मज कर दूँ, पूरा मतलब कॉर्नर तक नहीं, हल्का हाफ ही स्मज कर रही हूँ, तो उससे ना एक बढ़िया सा लुक क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से मैं स्मज कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं लुक को कम्प्लीट करने के लिए यहाँ पर ब्राउन कलर की छोटी सी बिंदी लगा रही हूँ, क्योंकि फेस्टिवल है, बिंदी लगाना तो बनता है ना। तो आप इस तरीके से बिंदी को, छोटी सी बिंदी लगा के अपने लुक को कंप्लीट कर ले रही हूँ। एंड लिप चिक टिंट को मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश के लिए। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ, क्योंकि ना मुझे लिप चिक टिंट वाली ब्लश जो होती है ना, एकदम नेचुरल लगती है और बहुत ही बढ़िया सा लगता है, तो मैं ज़्यादातर इसको ही यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने कुछ नया ट्राई किया। मैंने क्या किया ना, कि छोटे वाले जो मिनी ब्यूटी ब्लेंडर, उससे मैंने हाईलाइटर अप्लाई कर रही थी। आप ऐसे अप्लाई करना, बहुत ही बढ़िया से अप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने चिक पे, अपने नोज़ पे, अपने आईब्रो बोन पे, जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट करना आप इस तरीके से हाईलाइट कर लेते हो। देन मेरा फेवरेट लिपस्टिक है ये लैक्मी का बुलेट लिपस्टिक है, बट ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है, मुझे बहुत ही पसंद है ये लिपस्टिक। और रेड कलर है, अब फेस्टिवल है, थोड़ा रेड तो बनता है ना, तो मैंने यहाँ पर रेड कलर, पूरी रेड नहीं है, मैं इसका कोड मेंशन कर दूँगी। बहुत ही बढ़िया सा कलर है लिपस्टिक का, तो आप इसे अप्लाई कर लो। देन मैं अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन के मेकअप फिक्सर से। सेट होने के बाद जो सेम ब्यूटी ब्लेंडर ना, उससे जो भी एक्सेस है उसे मैं रिमूव कर लेती हूँ। दैट्स इट गाइस, ये रहा मेरा फाइनल लुक। आप चाहो तो यहाँ
पे अपने अकॉर्डिंग अपनी हेयर स्टाइल कर सकते हो। मुझे ओपन रखना बहुत पसंद है तो मैं यहाँ पे ओपन रख रही हूँ। आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा। ये लुक पसंद आता है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। मैंने जो यहाँ पे इयर रिंग लिया, ये मैंने मीशो से लिया था, इसका कुछ 180 प्राइस है। तो इन्जॉय गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर लवली सपोर्टिंग। बाय बाय, लव यू।